बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर्स में हमने डाटा प्राइवेसी, डाटा प्रोटेक्शन, इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, इन शॉर्ट आपके कंप्यूटर और उसमें मौजूद इंफॉर्मेशन को आप किस तरह महफूज रख सकते हैं, इसकी डिटेल्स देख रहे थे। जबकि आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हमारी पाकिस्तानी और इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने हमारे कंप्यूटर्स और उसमें मौजूद डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या इकदाम उठाए हैं और किस किस तरह के लॉज बनाए हैं ताकि हमारे डेटा को इंटरनेशनल वे में भी सिक्योरिटी फराहम की जा सके। तो आइए फिर अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। फ्रेंड्स, आपकी बुक में इस टॉपिक को आगाज किया गया है एक वर्ड के थ्रू, विच इज लेजिस्लेशन। और दोस्तों, लेजिस्लेशन के मानी होते हैं सेट ऑफ लॉज पास बाय द पार्लियामेंट, यानी कुछ कानून जो कि आपकी अदालतें बनाती हैं। क्यों? टू इंश्योर डेटा प्रोटेक्शन, ताकि उन कानूनों के जरिए आपके डेटा को सिक्योरिटी फराहम की जा सके। और ये लॉज, ये कानून सिर्फ हमारे कंट्री में भी नहीं बनाए जाते, बल्कि दुनिया में हर जगह किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बना दिए गए हैं। और उन लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो करना हर एक शहरी का फर्ज है। और डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं जो कि ऑलमोस्ट हर कंट्री में सेम है। इसमें नंबर वन प्रिंसिपल है, सबसे पहला प्रिंसिपल है द पर्पस ऑफ कीपिंग पर्सनल डेटा मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड बाय ऑर्गेनाइजेशन। यानी अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना पर्सनल डेटा दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट है जिसमें आप रजिस्टर हो रहे हैं, तो वहां उसको सिर्फ आपकी अगर ईमेल आईडी चाहिए, तो ऐसा ना हो कि वो आपका हाउस नंबर, अकाउंट नंबर, यानी जो आपका पर्सनल डेटा है उसकी एक्स्ट्रा डिटेल्स भी मांग रही है, जो कि गलत है। और अगर वो आपका कुछ पर्सनल डेटा मांग भी रही है, तो पहले उस वेबसाइट या ऑर्गेनाइजेशन को ये साफ साफ डिफाइन करना चाहिए कि आखिर उसको इस डेटा की नीड क्यों है, आया जो एक्स्ट्रा डेटा वो आपसे मांग रही है वो उसके लिए जरूरी है भी या नहीं। तो ये तमाम चीजें पहले से ऑर्गेनाइजेशन को, उस बंदे को जिसका डेटा उन्हें चाहिए, क्लियरली डिफाइन करनी चाहिए। और दूसरा प्रिंसिपल है द इंडिविजुअल whom data is kept must be informed about the identity of organization। यानी जिस भी बंदे का कोई पर्सनल डेटा आप यूज कर रहे हैं, तो आपको उस बंदे को भी ये बताना चाहिए कि आप उसका ये डेटा शेयर किनसे करेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन से करेंगे, और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स वगैरह भी उस ओनर को जिसका वो डेटा है उसको देनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है जिसे मेंटली कोई बीमारी है और वो किसी पर्टिकुलर डॉक्टर से ही चेकअप करवाता है, और अगर वो डॉक्टर उसकी रिपोर्ट्स को उस पेशेंट को बताए बगैर किसी और हॉस्पिटल के डॉक्टर से शेयर कर रहा है या उसकी रिपोर्ट्स को एज अ सैंपल यूज कर रहा है, तो ये कानूनन जुर्म है। मींस जो भी डेटा आप किसी थर्ड पार्टी से शेयर कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल आपको उस डेटा के ऑनर को भी देनी पड़ेगी जिसका वो डेटा है। और फ्रेंड्स, इस हवाले से कई लॉज पास हुए हैं, तो आइए उनमें सबसे पहला लॉ देखते हैं, विच इज प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। दोस्तों, ये लॉ पास किया गया था 1980 में, और इस लॉ को पास करने से पहले एक मसला हुआ था पुलिस और जर्नलिस्ट के दरमियान। पुलिस ने स्टैनफोर्ड डेली न्यूज रूम में छापा मारा था, क्योंकि वो लोग कुछ पुलिस ऑफिसर्स के जख्मी हालत में ली गई पिक्चर्स को शाये करने वाले थे, छापने वाले थे। तो इस मामले को जब कोर्ट में पेश किया गया, तो कोर्ट ने एक लॉ पास किया कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जैसे कि पुलिस वगैरह को ये मना किया गया कि आप प्रेस ऑफिस यानी अखबारात के ऑफिसर्स को इतला दिए बगैर उनकी तलाशी नहीं ले सकते, यानी सिर्फ शक के बिना पर आप किसी के भी पर्सनल डेटा पर कब्जा नहीं कर सकते, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट के बंदे हो। इसके बाद आई एक और एक्ट, विच इज केबल कम्युनिकेशन प्रोफेसी एक्ट। दोस्तों, ये लॉ पास किया गया था 30 अक्टूबर 1984 में, और ये बनाया गया था उस दौर के केबल कंपनीज के लिए, यानी वो तमाम कंपनीज जो आपको वीडियो डिलीवरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, उन सबको रिस्ट्रिक्ट किया गया, रोका गया कि वो कौन सी इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर्स की कलेक्ट कर सकती हैं और इस इंफॉर्मेशन को कहां और किन से शेयर कर सकती हैं। दोस्तों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन किसी से भी कलेक्ट कर रहे हैं उसको शेयर किन से किया जा रहा है, आया जिनसे शेयर किया जा रहा है, क्या वो ऑथराइज्ड है भी या नहीं। और इस एक्ट को बनाने का मकसद था कि किसी के भी इंडिविजुअल डेटा को अनऑथराइज एक्सेस से बचाना। और इस एक्ट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, आइए उनको देखते हैं। इनमें सबसे पहला प्रिंसिपल है द इंफॉर्मेशन द
contained in personal data shall be obtained and processed according to the law. यानी आप किसी के personal data से जो भी information निकालना चाहते हैं वो laws के मुताबिक होनी चाहिए, वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए. कोई भी company अपनी मर्जी से किसी के भी personal data को use नहीं कर सकती. और number two इसका जो principle है वो है personal data shall be held one or more specified and lawful purpose. यानी अगर आप किसी के का पर्सनल डाटा अपने पास रख रहे हैं तो वो किसी खास मकसद के लिए आपको लेना चाहिए. ऐसा ना हो कि आप उसको आपको उस डाटा की नीड ना हो फिर भी आप उसके डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं. नंबर थ्री, पर्सनल डाटा कैन नॉट बी डिस्क्लोज इन एनी मैनर. दोस्तों ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी जब भी आप जो भी ऑर्गेनाइजेशन किसी का पर्सनल डाटा यूज कर रही है तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि इस बात का भी ख्याल रखे कि वो डाटा लीक ना हो पाए, वो बाहर ना निकले, वो कोई और उस डाटा तक एक्सेस ना कर ले. इसके बाद जो नंबर फोर पॉइंट है, पर्सनल डाटा शैल बी एक्यूरेट एंड कैप्ट अप टू डेट. यानी कीप अप टू डेट, यानी जो भी डाटा है वो सही होना चाहिए. और अगर वक्त के साथ डाटा में तब्दीली आ रही है तो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि उस डाटा में वो तब्दीली भी एड करते रहे. नंबर फाइव, पर्सनल डाटा शैल नॉट बी कैप्ट फॉर सो लॉन्गर. मीन्स आपने किसी से डाटा लिया और जैसे ही आपने जिस मकसद के लिए वो डाटा लिया था आपका वो काम हो गया तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि उस डाटा को फिर रिटर्न कर दें. यानी लंबे अरसे तक आप उस डाटा को ना रखें. इसके अलावा जिसका भी वो डाटा है वो जब चाहे वो डाटा देख सकता है, उसमें कोई तब्दीली भी कर सकता है. यानी ये डाटा के ऑनर की मर्जी है कि वो अपने डाटा को जब चाहे निकलवा सकता है, प्रोसेस होने से रोक सकता है. और आखिर में जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपके डाटा ले रही है ये उसकी जिम्मेदारी है कि आपके डाटा को अनऑथराइज एक्सेस यानी हैकर से बचाए खराब होने से, खो जाने से. यानी ये उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है कि आपके डाटा को सिक्योरिटी फराहम करे. तो फ्रेंड्स ये था डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसमें तमाम नुकात में एक ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट को इंडिविजुअल पर्सन से अगर किसी के पर्सनल डाटा को कलेक्ट कर रही है तो उस पर क्या क्या जिम्मेदारी आयद होती है, इन सब से रिलेटेड था. इसके बाद जो एक्ट आया वो था कंप्यूटर सिक्योरिटी एक्ट. ये एक्ट नाफिज हुआ 1987 में और इस एक्ट के तमाम प्रिंसिपल्स आपके कंप्यूटर की और इंटरनेट से रिलेटेड आपके कंप्यूटर को जो नुकसान पहुंच रहे हैं उसको रोकने के लिए बनाया गया था. इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आया वो था वीडियो प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट. ये एक्ट नाफिज हुआ था 1988 में और इस एक्ट के मुताबिक आप कोर्ट के ऑर्डर्स के बगैर किसी की पर्सनल वीडियोस को ना ही रिकॉर्ड कर सकते हैं और ना ही लीक कर सकते हैं. और फिर एक और एक्ट आया विच इज कंप्यूटर मिसयूज एक्ट. दोस्तों ये एक्ट नाफिज हुआ था 1990 में और इस एक्ट का मेन मकसद था आपके कंप्यूटर को और उसमें मौजूद डाटा को अगर कोई नाजायज तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, आपके डाटा को खराब कर रहा है, उसमें तब्दीली कर रहा है, तो उन तमाम चीजों से रिलेटेड ये बनाया गया था. तो दोस्तों असल में इस एक्ट को बनाने से पहले इन स्टार्ट लोग हैकर्स को इतना सीरियस नहीं लेते थे बल्कि शरारत समझकर छोड़ दिया जाता था. लेकिन जब इस हैकिंग की वजह से बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने अहम डाटा को लॉस होते हुए देखा तो फिर इसके लिए कानून बनाने की जरूरत पेश आई. और इस एक्ट के जरिए किसी को ये हक हासिल नहीं है कि वो आपके कंप्यूटर तक नाजायज तरीके से रसाई हासिल कर सके, यानी अनऑथराइज एक्सेस के जरिए आपके कंप्यूटर के अंदर घुस सके. और ना ही किसी को इस चीज की इजाजत है कि वो आपके किसी भी कंप्यूटर में मौजूद डाटा को नाजायज तरीके से तब्दील कर सके, मॉडिफाई कर सके. और जो ऐसा करेगा उसके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी. और दोस्तों इस एक्ट की बदौलत कंप्यूटर की सिक्योरिटी में बड़ा का इंकलाब आया. और इसके बाद एक और एक्ट बनाया गया, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1998 में बनाया गया. और इस एक्ट के जरिए ना सिर्फ आप कंप्यूटर में मौजूद डाटा बल्कि मैनुअली भी अगर आपका डाटा किसी भी फाइल में पड़ा है तो उसकी सिक्योरिटी से भी रिलेटेड था. यानी हर किस्म के पर्सनल डाटा की हिफाजत इस एक्ट के जरिए आपको फराहम की गई थी. और फ्रेंड्स इन तमाम एक्ट के बाद जो एक सबसे इम्पोर्टेंट एक्ट आया विच इज कॉपीराइट एक्ट. ये सबसे पहले आया था 1976 में. लेकिन दोस्तों कॉपीराइट एक्ट के बाद मतलब कॉपीराइट एक्ट को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉपीराइट के मायने क्या होते हैं. तो कॉपीराइट के माने होते हैं किसी भी चीज को कॉपी करने के राइट्स. यानी आपने बहुत मेहनत करके कोई बुक तैयार की है, कोई बुक बनाई है सालों बाद, और कोई आपकी परमिशन के बगैर आपकी उस बुक को उसकी कॉपीज जेनरेट करके सेल करना शुरू कर देता है,
जो कि आपने बनाई थी, जो कि आपकी प्रॉपर्टी थी, तो आप हो गए उन बुक्स, उस बुक के ओनर, और ये सब आपका हक है कि आप उस बुक को सेल करें। और इस तरह की सिचुएशन जब कंप्यूटर के बनाने वालों को फेस करनी पड़ी, तो इसके लिए कोई कहता है 1983 और कोई कहता है 1992, तो जो कुछ पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर 1983 है, तो 1983 में बनाया गया कॉपीराइट एक्ट फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ऑपरेटिंग सिस्टम हो, जैसे कि विंडोज वगैरह, कोई डेटाबेस हो, अगर आपके बनाए हुए उस सॉफ्टवेयर की कोई कॉपीज जनरेट कर रहा है और उनको सेल कर रहा है, उससे कुछ रकम हासिल कर रहा है, तो ये उस कॉपीराइट एक्ट के थ्रू जुड़े हैं। और अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, अगर आप किसी की कंप्यूटर प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर की कॉपीज जनरेट करते हैं बिना उस बंदे से पूछे जिसका वो रियल में ऑनर है, तो आप इस एक्ट के जरिए मुजरिम है। और दोस्तों, और जो भी बंदा इस कॉपीराइट एक्ट के खिलाफ वर्जी करता है उसके ऊपर केस हो सकता है, उसको कुछ ना कुछ खजाना अदा करना पड़ेगा। तो उस कॉपीराइट एक्ट के थ्रू अगर कोई मुजरिम इस तरह करता है तो उसको 2 लाख तक की रकम का जुर्माना अदा कर सकता है और करना पड़ेगा, और इन वर्स्ट केसेस 3 साल कैद की सजा भी हो सकती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्राइवेसी एक्ट्स जिनको हमारी गवर्नमेंट और इंटरनेशनल गवर्नमेंट सबने मिलकर बनाया है आपके डाटा को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए, आपके डाटा को प्राइवेसी देने के लिए, आपके डाटा को महफूज करने के लिए। अगले लेक्चर के अंदर, यहाँ तक हमारे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ जिसके अंदर हमने ये देखा कि हम किस तरीके से अपने कंप्यूटर को वायरस से, नुकसान पहुंचाने से अपने डाटा को और कंप्यूटर को बचा सकते हैं। अगले लेक्चर में हम एक नए चैप्टर का आगाज करेंगे, विच इज चैप्टर नंबर 7। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।